म्यूचुअल फंड अगर आप करते हैं, जैसे कि आप अगर SBI में आपका अकाउंट है और आप SBI की योनो एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको वहाँ पर बहुत सारी स्कीम मिल जाती हैं, पर आपको ये पता नहीं होता है कि आखिर हमें पैसा कहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर आप अपने पैसे से ही आप पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इस पहले कई सारी वीडियो बनाई थी FD से रिलेटेड, ठीक है, पर FD में हमें मिलता है जैसे कि 6% 7% सालाना, ठीक है, पर इसमें आपको यानी कि 24% तक यहाँ पर मिल सकता है, कम में कम आपको 14-15% तक मिलेगा, और आपको अधिक में अधिक अगर 1 साल तक रखते हैं तो आपको 24% तक तो क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही बातें बता दी हैं। अगर आप, अब मैं चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट पे सिंपली क्लिक किया है, इन्वेस्टमेंट पे मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लोडिंग हो रही है, यानी कि थोड़ा सा मुझे इंतजार करना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3,54,075 रुपये हैं, ठीक है। और जो मेरी स्कीम देख पा रहे हैं, चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूं, जो कि आप मेरी स्कीम देख पा रहे हैं SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। अब यहां पर देख पा रहे हैं नेट वैल्यू, नेट वैल्यू है 277.82, ठीक है। ये नेट वैल्यू क्या होती है, इसी के साथ में हम पूरी की पूरी आज की इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे और सब कुछ सीख जाएंगे कि आखिर नेट वैल्यू क्या होती है और कैसा क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं कोई भी स्कीम के लिए ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था 3.5 लाख मैंने जमा किया था, पर यहाँ पर जैसे ही पैसा आप जमा करते हैं किसी भी, जैसे कि हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग वो होती है, ठीक है, जो कि अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट से करते हैं तो वहाँ पर फीस नहीं लेते हों, जो कि अगर आप रेगुलर प्लान में जैसे कि इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इस पर आपको एक फीस लगती है जो कि इनके मैनेजर्स वगैरह होते हैं, अगर आप बैंक में जाते हैं तो वो आपको स्कीम बताते हैं और उसकी जो फीस है वो आपसे लेते हैं 1%, ठीक है। तो लगभग 3,500 रुपये मेरे वो कटे थे और उसके बाद में 3.5 लाख रुपए जो भी थे, 3,500 रुपए कम 3.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए थे, ठीक है। फिर उसी के 7-8 दिन बाद मैंने देखा तो मेरे यहाँ पर 54,000 कुछ थे, तो मैंने यहाँ पर जोड़ा, मैंने कि यार काफ़ी ज़्यादा पैसे, इसका मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा है इसमें। तभी मैं इस पर आपको वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरीके से नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ जानकारी है वो समझ लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक वो होता है जो कि अगर आप जितने अधिक समय के लिए करेंगे उतना ही आपको अधिक यहाँ पर बेनिफिट होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं SIV कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं SIV कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान, ठीक है। और ये स्कीम सबसे बेहतर है, इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं NAV, NAV क्या होती है, सबसे पहले तो हम यहीं से ही शुरुआत करते हैं ताकि आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। NAV वो होती है, जैसे कि मान लो 4 बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और उन्होंने 1-1 करोड़ रुपये जमा किया और उसी के हिसाब में उन्होंने यूनिट रखते हैं, ठीक है। तो यूनिट का मतलब होता है जैसे कि उन्होंने 4 करोड़ वहाँ यहाँ पर रुपए इकट्ठा किया, अब 10 रुपए के हिसाब से उन्होंने उतनी ही 4 करोड़ की एक यूनिट बना दी, ठीक है, कि इतने रुपए हैं और ये इतनी यूनिट हैं, तो ठीक है। अभी उस समय तो 10 रुपए की थी, अब यहाँ पर ये बढ़ते जा रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है। तो कहने का मतलब है इसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है, नेट वैल्यू, वो यहाँ पर बढ़ती जाती है, ठीक है। अब ये नेट वैल्यू जितनी होगी उतनी ही, कहने का मतलब है अगर आपने 10 रुपए के जिस समय जो यूनिट थी वो अगर आपने 10 रुपए की खरीदी थी और अब आपकी 282 रुपये है, तो कहने का मतलब है आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं और आप यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं जो कि यहाँ पर लगातार बढ़ते ही जा रहा है और यहाँ पर ये डाउन भी हुआ है, ठीक है। अब ऐसे में अगर अभी जो ग्राफ डाउन है और इस समय आप खरीदते हैं तो कहने का मतलब है ये आपकी नेट वैल्यू है NAV, ये आपकी कम होगी, ठीक है। पर अगर आपकी यहाँ पर इस समय ये ऊपर है और यहाँ पर अगर आप कभी खरीदते हैं तो यहाँ पर जो नेट वैल्यू है यानी कि NAV है वो यहाँ पर महंगी होगी, ठीक है।
तो इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये तो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, अगर आप पैसा एक बार में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, और इसी के साथ में अगर आप किस्तों के हिसाब से यहाँ पर जमा करना चाहते हैं तब आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, वो भी हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई हम यानी कि हमारी मंथली की इनकम नहीं है तो जो कि हम हर महीने इसमें पैसे जमा कर पाएँ, तो ठीक है हमारे पास अगर 5,000 हैं या फिर 50,000 हैं या फिर 1,00,000 हैं तो वो हम एक ही बार में इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। तो कहने का मतलब है इन्वेस्ट करने से पहले तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इस समय जो इसकी नेट वैल्यू है यानी कि NAV है वो यहाँ पर कितनी है, ठीक है, यानी कि सस्ती है या फिर महंगी है। अब ऐसे में ये है कि अगर आपने ये महंगा है और ये ग्राफ नीचे डाउन जाता है तो NAV इसकी घट जाती है, तो कहने का मतलब है आपको यहाँ पर लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि लॉस होते नहीं है इस स्कीम में, ठीक है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर पैसा लगाया है तो अभी देख पा रहे हैं ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया था फिर ऊपर आया था, तो ये थोड़ा बहुत तो होता रहता है, ठीक है, यहाँ पर इसके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, और हाँ कुछ स्कीम ऐसी होती हैं जो कि अगर आप उनकी जो NAV है यानी कि यूनिट है उनकी महंगी खरीद लेते हैं तो वो ग्राफ नीचे चला जाता है तो आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है, ठीक है। यही एक इन्वेस्टमेंट होता है, मैंने यहाँ पर एक बार में 3,00,000 रुपये यहाँ पर 3,50,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर पर सिंपली क्लिक करते हैं तो जो हमारा कैलेंडर आ गया है यहाँ पर निकल के, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं 3,50,000, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पर 3,50,000 1,2,3, ठीक है, हमने यहाँ पर कर दिया 3,50,000, ठीक है, 22 और 23 यानी कि एक साल का फ़र्क हो गया है। अब आप यहाँ पर सबमिट पर सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सबमिट पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि यानी कि आपको कितना पैसा यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आप एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3,50,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो मेरा जो इन्वेस्ट है वैल्यू वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,50,000 है। इसी के साथ में जो मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है, वो इतना पैसा मिलेगा एक साल में, ठीक है, ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो कि इसकी जो इसका रिटर्न है, ठीक है, वो इतना है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था जो इसका रिटर्न होगा वो यहाँ पर लगभग 16 से 24% तक जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे 24% यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, तो 24% के हिसाब से यहाँ पर हमारा जो पैसा हो रहा है प्रॉफिट यानी कि बेनिफिट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा हो रहा है 87,264 रुपये, ठीक है, 21 पैसे का यहाँ पर हमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अब ये आपके मिलकर और ये आपके मिलकर, कहने का मतलब है ये आपके 3,50,000 और आपका ये प्रॉफिट मिलकर, ठीक है, वो इतना अमाउंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अगर आप एक साल के लिए यहाँ पर अपना इतना इन्वेस्ट कर देते हैं तब तो यहाँ पर देख सकते हैं 4,37,264 रुपये 21 पैसे, तो कहने का मतलब है आपको एक साल में इतना पैसा यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, अगर आपका यहाँ पर इस स्कीम पर आप पैसे लगाते हैं तब। इनकी वेबसाइट ये कह रही है, ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ बातें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है, तो ये अभी ये कह रहा है। अब SIP क्या होता है, जैसे कि हमने एक बार में इन्वेस्ट किया था, अब यहाँ पर हम SIP रिटर्न, ठीक है, SIP पर हम सिंपली क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर इसके ग्राफ्स देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से गए हैं, और उसके बाद में हम इसका कैलकुलेटर निकाल देते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर पर हम सिंपली निकालते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं SIP कैलेंडर, तो हम SIP कैलेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। SIP सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं हमारी इनकम है 20,000 रुपये, ठीक है, मंथली। अब हम यहाँ पर 10,000 रुपये यानी कि मंथली के यानी कि एक साल के लिए हमें करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 रुपये हमारे 20,000 रुपये हमारी मंथली इनकम है और हम 10,000 रुपये यहाँ पर बचाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर मंथ, ठीक है, तो आप इस प्लान को भी यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2022 और यहाँ पर 2023 देख सकते हैं, सेम डेट है, तो कहने का मतलब मैंने एक साल का यहाँ पर गैप ले लिया और उसके बाद में सेल डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो मेरी ये डेट है, ठीक है, आप देख ही पा रहे हैं।
उसके बाद में चलिए हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 38.7% तक मुझे यहाँ पर रिटर्न मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर बेनिफिट क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप 10,000 रुपये मंथली के जमा करते हैं तो 12 मंथ के यहाँ पर हो जाते हैं 1,20,000 रुपये, जो कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, सीधा सीधा हिसाब है। और यहाँ पर आपको जो बेनिफिट हो जाता है वो हो जाता है 23,889 रुपये। ठीक है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं टोटल आपकी जो अमाउंट होगी 1,43,889 रुपये, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी अमाउंट होगी जब आपका एक साल पूरा होगा और आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इतना आपको बेनिफिट होने वाला है एक साल में। ठीक है, और यहीं पर अगर आप FD करा देते थे तो आपको 1,00,000 रुपये की अगर आप FD करा भी देते हैं तो वहाँ पर आपको 7% मिलता है, तो वहाँ पर आपको मिलता 1,07,000 मिलता। ठीक है, ऐसे ही कुछ मिलता, पर आपको यहाँ पर मिल गया है 23,000। ठीक है, कहने मतलब है अगर ये रिटर्न कर देते हैं तब इतना। ठीक है, और इसके बाद में भी हम मान लेते हैं, चलो आधे आधे मान लेते हैं, तो हमें कितना मिलता है, आधे आधे का मिलता है, तब भी हम इसमें से एक आधी कैलकुलेशन कर देते हैं तो हमारा 23 हो रहा है, 12×2=24, तो लगभग 11,000-12,000 रुपये हमें मिल जाता है अगर हमें बहुत ही गिरते गिरते मिलता है तब। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर रिटर्न कितना कितना मिला है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आपने एक वीक के लिए यहाँ पर पैसा लगाया है तो जो आपको यहाँ पर रिटर्न मिला है एवरेज, ठीक है, कैटेगरी एवरेज, तो यहाँ पर मिला है 1.1 तक आपको यहाँ पर रिटर्न मिला है 1.13, ठीक है, प्रतिशत तक। इसी के साथ में अगर आपने एक मंथली यहाँ पर पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, अगर आप ज़्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं तो ये बता रहा है 5. आपको 68% यहाँ पर मिला है। ठीक है, इसी के साथ में आप 3 मंथ 12% तक आपको मिला है, और अगर आप 6% सॉरी हाँ 6 मंथ के लिए आप रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इतना यहाँ पर प्रॉफिट यानी कि इतना परसेंट तक यहाँ पर रिटर्न मिला है। ठीक है, अब ये निर्भर करता है कि आखिर आप कितना पैसा यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप एक साल के लिए यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको एक साल में ये बता रहा है कि हमने जितना रिटर्न दिया है इस वेबसाइट ने, तो यहाँ पर दिया है 24.83, लगभग 25% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। ठीक है, इसी के साथ में आप देख सकते हैं अगर आपने 2 साल के लिए लगाया है तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं 47, इसी के साथ में अगर आपने 3 साल का लगाया है तो ये इतना तक यहाँ पर गया है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में अब आप यहां पर एक बात को ये समझ लीजिएगा, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मंथली के हिसाब से यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पर इसमें भी बेनिफिट है आपको, क्योंकि अगर आपकी जो यूनिट है ये वाली, ठीक है, NAV, ठीक है, अगर आपकी कभी मान लेते हैं ये ग्राफ है, ठीक है, और ये ग्राफ ऊपर है, ठीक है, तो अगर आप यूनिट खरीदेंगे तो आपकी महंगी भी यूनिट होगी, और इसी के साथ में अगर आपका जो ग्राफ नीचे की तरफ है और वहाँ पर आप खरीद लेते हैं यूनिट, उस समय पैसा जमा करते हैं तो आपकी यूनिट सस्ती भी होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दोनों ही प्रकार का बेनिफिट और लॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं आपको कह दूँ कि ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप एक ही बार में पैसा लगाते हैं और उस समय जो डाउन है, तो इस समय अब आप देख पा रहे हैं कितनी हाई ऊपर की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पर एक बार में पैसा लगाते हैं तो आप यहां पर देख ही पा रहे हैं एक वीक के लिए इसमें बोई है 1.13, इसी के साथ में एक मंथ के लिए 5.68, और इसी के साथ में 12, 6 मंथ के लिए आप देख सकते हैं, इसमें भी ये बता रहा है एक साल में हमने 24.93% तक का यहां पर दिया है। ठीक है, जो कि आप यहां पर देख ही पा रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन समझा दी हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है और आपको कितना यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम पर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्ट किस तरीके से करना है वो मैं चलिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ पूरी तरीके से। ठीक है, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई कब हमें पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हमें बताइएगा। ठीक है, और NAV होती क्या है और NAV को किस तरीके से इसे रखा गया है, जैसे कि जो पैसा आपका लगता है
तो ये कंपनी कहाँ पर इन्वेस्ट करती है, ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं जो गोल्ड है, ठीक है, और यहाँ पर स्टॉक है जो कि आप देख पा रहे हैं, हर चीज़ का यहाँ पर आपको वो देखने को मिल जाएगा कि ग्राफ कित कितना ऊपर गया है, कित कितना नीचे गया है, ठीक है। अगर इन चीज़ों की यहाँ पर वैल्यू बढ़ती है तो कहने का मतलब है आपका जो पैसा है वो भी यहाँ पर आपका बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि सोने की महंगाई बढ़ रही है आप जानते हैं, तो यहाँ पर भी आपका पैसा बढ़ेगा और ये NAV यहाँ पर हाई होगी, ठीक है। ये NAV आपकी हाई होगी और इसी से ही कहने का मतलब है ये इसी चीज़ों पर निर्भर करती है NAV, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब कुछ आप समझ गए होंगे, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आखिर हम पैसा किस तरीके से लगाएं, ठीक है। तो चलिए हम ये भी सीख लेते हैं लगे हाथों। ये इन्वेस्ट का ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में अभी हमारे फ़ोन में ये एप्लीकेशन में वेबसाइट ओपन हो रही है और आप देख ही पा रहे हैं 3,54,000 रुपये मुझे यहाँ पर हो चुके हैं बेनिफिट, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं इसी स्कीम पर, आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। उसके बाद में हम न्यू इन्वेस्ट, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अगर आपके फ़ोन में यूनो एप्लीकेशन है और आपका अकाउंट SBI में है तब, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी स्कीम मिल जाएंगी, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग। पर मैं आपको बता दूं जो स्कीम है वो यही है और इस समय ये कितना यहाँ पर बेनिफिट दे रही है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान, ठीक है। तो यही वाली वो स्कीम है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैंक के मैनेजर से भी बात की थी और उनके ही द्वारा मैंने यहाँ पर ये पहले पैसा लगवाया है, ताकि मैं आपको इसका ये लाइव प्रूफ भी दिखा चुका हूँ, ठीक है। उन्होंने ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बैंक के यहाँ पर जो कि मोहर भी लगी हुई है जो कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जगह पर, तो मैंने उनके ही यहाँ पर मैनेजर से पैसा लगवाया था और जो पैसे की मेरे यहाँ पर कटौती हुई है वो भी मैंने आपको बता दी है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं जो NAV है वो आपको यहां पर देखने को मिली है 277, ठीक है। और अभी आप यहां पर देख सकते हैं हाल ही में कितना चल रहा है और इसने भी आपको एक एक साल में कितना कितना यहां पर इन्वेस्ट करने पे रिटर्न दिया है, जो कि आप यहां पर देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पर लगा सकते हैं, इसकी रेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं बिल्कुल हाई है, तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आपको करना क्या है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट पर सिंपली आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपना अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आपका अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट है तो आप यहाँ से स्किप कर देंगे, तो मेरा यही है, तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ये 5 ऑप्शन मिलना है, इन्हें आपको कंप्लीट करना होगा और आप इस पर जानना चाहते हैं कि भाई हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है वो आप हमें वीडियो बना के दीजिएगा, तो आप मुझे इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो इसी पर ही बना के दे दूंगा कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेस्टमेंट में हम किस तरीके से पैसा लगा सकते हैं। और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।